हाँ दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू योर एकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज। इस टॉपिक को आज हम लेके आए हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। देखो, क्लास 10th की जो सीरीज आपकी चल रही है उस सीरीज के बारे में हम जानेंगे कि उस सीरीज में जो हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 अब जो आया है, तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म करें, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो। कोशिश करेंगे इसको कि एक ही बार में ये वीडियो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। चलिए, तो अगर हम इसको देखें कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में हमने देखा कि देखें इसमें कि ये जो स्टार्ट होता है कि वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। क्या है कि ये जो प्लैनेट है हम किसके साथ, मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स के साथ में क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया से लेकर के लाइचेन से लेकर बनियान ट्री, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स, दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। ये सारी की सारी है। तो स्टार्टिंग में देखो इम्पोर्टेंट कुछ खास इतना है नहीं, बट इसमें क्या है थोड़ा सा इसका दे रखा है कि क्यों जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रखा है कि बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये है आपका कि बायोडाइवर्सिटी, देखो पहले तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिच होती है किसमें, वाइल्ड लाइफ में, कल्टिवेटेड स्पीशीज वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस। डाइवर्स होती है किसमें, अपने फॉर्म्स और फंक्शन में, लेकिन क्लोजली इंटीग्रेटेड होती है किससे, क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। लेकिन मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी से ये क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि इसमें आगे चलें तो ये हमारा स्टार्ट होता है फ्लोरा एंड फौना से। देखो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, पेड़ पौधे पक्षियां जानवर ये सब चीजें फ्लोरा एंड फौना में आ जाते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरियाज। आप जो अगर अपने चारों तरफ देखते हैं कि कुछ आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही बहुत यूनिक होते हैं। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें, इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। इंडिया जो है हमारा खुद एक वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट, एक बहुत ही ज्यादा एक रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ किसमें, इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी वास्ट एरे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा आपका क्या है कि रिच है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, अब इसमें अभी क्या है कि बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो कि अभी डिस्कवर होनी है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट। आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, कुछ आपके अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई थी, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं वहां पर। यू मे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सिस इन अवर डेली लाइफ। आपने इन रिसोर्सिस का इम्पोर्टेंस जो है अपनी डेली लाइफ में रियलाइज किया होगा। These diverse flora and fauna are so well integrated. ये जो आपका diverse flora और fauna है ये इतने अच्छे तरीके से integrated है। लेकिन क्या है कि लेकिन आज की तारीख हम देखें तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा danger में, great stress में, mainly due to insensitivity to our environment। कि ये कारण क्या बना है इसका, इनके ग्रेट थ्रेट का जो कारण बना है वो बना है इनसेंसिटिविटी इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो इनसेंसिटिविटी आ रही है हमारी, वो इसके ग्रेट कारण इसका बना है।
अब हम आगे इसमें देखें तो क्या है कि सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। अगर हम कुछ एस्टिमेट्स की बात कर लेते हैं, चलिए ये कुछ एस्टिमेट्स हैं, ये अगर हम कुछ एस्टिमेट की बात करें तो करीब करीब आपका 10% इंडिया का 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% ऑफ इट्स मैमल्स, और इसके जो 20% मैमल जो है वो किसमें, एक ग्रेट थ्रेटेंड लिस्ट में है। जैसे मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, इनमें से बहुत से तो क्रिटिकल कंडीशन में भी आ चुके हैं। दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इसका मतलब है कि वो क्या अभी खत्म होने वाले हैं। जैसे कुछ स्पीसीज के बारे में दे रखा है, जैसे चीता है जो खत्म होने वाला है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वाल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ओलेट है, ये सारे ये हैं। प्लांट है कुछ लाइक प्लांट है लाइक मधुका इग्निस इनसाइग्निस, ठीक है, मतलब एक वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ होता है, महुआ का पौधा होता है, जंगली महुआ का पौधा होता है ये। एक है हुबार्डिया हैप्टान्यूरॉन, एक तरह की ये भी क्या होती है, ये घास होती है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं, कैटेगरी में, क्रिटिकल कैटेगरी में आ चुके हैं, या फिर कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल खत्म है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं बिल्कुल ही। और अगर हम इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, अब हम ये भी नहीं कह सकते कितनी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। टुडे हम सब बात करते हैं कि लार्ज नंबर एंड द मोर विजिबल एनिमल्स प्लांट एंड हैव बिकम द एक्सटिंक्ट, बट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट। अब देखो हमने जो बड़ी बड़ी चीजें जो हमारी आंखें देख सकती हैं उनके बारे में तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज थिंग्स व्हिच वी कैनॉट सी थ्रू आवर नेक्ड आइज, जो हम अपनी आंखों अभी नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, उन चीजों का क्या, वो भी तो कहीं ना कहीं पे खत्म हो रही होंगी। तो ऐसे इंसेक्शन और इन सब का कारण, इन सब चीजों का कारण जो बनता चला जा रहा है वो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, इन्वायरमेंट में इनसेंसिटिविटी आ रही है, और ये इस यही सब का कारण बनता चला जा रहा है। अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में, बात कर लेते हैं कि जो डायमेंशन है हमारा, अब क्या है कि द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर हम डिफॉरेस्टेशन की डायमेंशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। अब फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर, अब देखो फॉरेस्ट और ट्रीज कवर की अगर मैं बात कर लूं कि देखो फॉरेस्ट और ट्रीज कवर इन कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 979। अब जो फॉरेस्ट है ना वो करीब हमारा कितना 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 24.16% जो है ना आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.16% है क्या फॉरेस्ट हमारा। इंडिया का कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3 लाख कुछ स्क्वायर किलोमीटर में है आपका, स्क्वायर किलोमीटर में है, तो उसका 24.16% जो है वो कितना है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। देन इसमें क्या है, इस 24% में भी क्या होता है कि कुछ डेंस फॉरेस्ट हैं, 12.2% डेंस फॉरेस्ट हैं, और ओपन फॉरेस्ट आपके कितने, 9.414% ओपन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं आपके, मैंग्रोव फॉरेस्ट करीब 0.14% तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। लेकिन अगर हम स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब, अगर 2015 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें, अगर हम इसकी 2015 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज, जो डेंस फॉरेस्ट कवर है वो आपका क्या है कि वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कि 3,775 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है अब किसमें से, इन 2013 में कितना हो गया था, 3,775 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पाया गया था। किसकी रिपोर्ट है ये, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये, ठीक है। अब ये रिपोर्ट ऐसा कहती है, हाउएवर दिस अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स। अब ये सब हुआ क्यों है, अब ये सब इंक्रीज कैसे हुआ, ये इंक्रीज जस्ट इस वजह से हुआ कि हमने कंजर्वेशन मेजर्स कुछ लिए हैं, चीजों को बचाने की कोशिश की है, उनको मैनेजमेंट उनका करने का मैनेजमेंट लिया हमने, इंटरवेंशन प्लांट एटसेट्रा, ये सब चीजें हमने मैनेजमेंट और इंटरवेंशन किए हमने, ये सब चीजें क्या, ये सब कारण बने हैं इनके, ठीक है, ये सब चीजें अच्छे, कुछ अच्छी न्यूज आने के। देन हमारा आता है कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज, अब कुछ डिफरेंट कैटेगरीज बात कर लेते हैं हम एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल स्पीसीज की, जो कि किसके बेसिस पे हैं, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब IUCN के मुताबिक क्या है कि ना कुछ ये जो कैटेगरीज है इन कैटेगरीज को कुछ क्लासिफाई कर रखा है। अब इन कैटेगरीज को क्लासिफाई करने का जो कारण है वो है कि नॉर्मल स्पीशीज की बात, इसमें आपके कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि कुछ कुछ नॉर्मल स्पीशीज होते हैं, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं कि वल्नरेबल स्पीशीज होते हैं, कुछ आपके रेयर स्पीशीज होते हैं, कुछ एंडेमिक स्पीशीज होते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते हैं। तो ये इस तरीके के स्पीशीज जो होते हैं ना ये आपके उसमें होते हैं। अब हम नॉर्मल स्पीशीज की बात करें तो नॉर्मल स्पीशीज में क्या है, ये वो स्पीशीज होते हैं जो आप नॉर्मली देख सकते हैं कहीं भी आपको, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, ये सारी चीजें जो नॉर्मली अगर आपको जो चीजें दिख जाती है ना, जैसे कैटल है आपको, साल, पाइन और रोडेंट्स, ऐसी जो चीजें होती है सारी की सारी आपको दिख जाती है, कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये सारी ये क्या नॉर्मल स्पीशीज में आते हैं। अब कुछ आती है, कुछ होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, दीज आर द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये वो स्पीशीज हैं जो कि अगर इनका और ज्यादा बड़े लेवल और अभी जैसे जो नेगेटिव फैक्टर्स इनको खत्म करने के पीछे जो लगे हुए हैं नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको अगर आगे और ऐसी वो चलते रहे तो क्या होगी, ये जो है ये अब इनकी जो थोड़ी जो बहुत कम मात्रा इनकी जो रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी और ये एक टाइम पे बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगे और इनको पाया नहीं जा सकता फिर कहीं भी इस धरती के ऊपर, कहीं भी ये मिलने वाले नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज जो होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं इनको। नॉर्मल स्पीशीज पढ़ ली, एंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या होता है, ये होते हैं डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में होती है ये, अगर जो इनके सर्वाइवल के लिए जो सच पहले डिफिकल्ट, इफ अगर इनको इनके नेगेटिव फैक्टर्स जो इनके ऊपर जो लीड कर रहे हैं अगर उनको डिक्लाइन नहीं किया गया तो ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाएंगे, इनको फिर बचाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कुछ आपके इन स्पीशीज की लिस्ट में जैसे कुछ चीज आती है, एक ब्लैक बक आता है, क्रोकोडाइल आते हैं, इंडियन वाइल्ड एश आती है और आपका इंडियन राइनो आता है, लायन टेल्ड आपका जो ये जो लाइन आपका लायन टेल्ड मकाओ है जो एक मिनट एक तो ये है आपका ये जो लायन वाला है, लायन टेल्ड मैकैक है, संगाई है, ब्राउन एंटर डियर मणिपुर का जो है, ये सारी चीजें क्या है इसमें आती हैं। देन उसके बाद एक और हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी आती है हमारी। वल्नरेबल स्पीशीज में क्या होता है कि ये जो स्पीशीज होती है दीज आर द स्पीशीज हूज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इन टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी इन नियर फ्यूचर इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर इनको उनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो अगर ऑपरेट ऐसे करते रहे तो क्या है कि ये जो है ये आपका दिक्कत में आ जाएंगे, ये खत्म होने वाले हैं। आप मेरे को जरा आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं जरा पॉज लेता हूँ 2 मिनट के लिए। तो देखिए हम थे कहाँ पर, हम थे वल्नरेबल कैटेगरी पर। तो वल्नरेबल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये एक लेवल पे हैं। अब क्या होता है कि वल्नरेबल कैटेगरी जो है ना, अगर वल्नरेबल कैटेगरी में वो स्पीशीज होती है कि जिनको जिनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, अब इनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये जो आपके
वल्नरेबल कैटेगरी है, इनको खत्म करने के पीछे जो नेगेटिव फैक्टर्स चल रहे हैं अगर उनको कंटिन्यू करके रखा गया तो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज में। ठीक है, ये कैटेगरी क्या होगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगी, है ना। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज के बाद वो किस में हो जाएंगे, वो एकदम एक्सटिंक्ट स्पीसीज में पहुंच जाएंगे। आपको ये चीज समझ में रखनी है कि जो चीजें अब वल्नरेबल कैटेगरी के ऊपर जो इनके ऊपर जो डिक्लाइन, दीस आर द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव एंडेंजर्ड इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। अगर अब ये वो स्पीसीज है, ये उस लेवल पे हैं कि इनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो अगर ऑपरेट करते रहे तो ये किस किस उसमें पहुंच जाएंगे कंडीशन में, ये पहुंच जाएंगे आपके ये जो आपके हैं ये पहुंच जाएंगे किसमें, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये जो लिखा हो ना एंडेंजर्ड कैटेगरी में, इनके ऊपर जो भी फैक्टर्स जो नेगेटिव फैक्टर्स इनके ऊपर काम कर रहे हैं वो अगर काम करते रहे तो ये किसमें पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे किसमें, एंडेंजर्ड स्पीसीज में। देन रेयर स्पीसीज की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं रेयर स्पीसीज की बात करूं तो क्या होता है कि जो रेयर स्पीसीज है आपकी, स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड स्पीसीज और वल्नरेबल कैटेगरी। अब ये वो स्पीसीज हैं जिनको जिनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स अगर काम करते रहे, अगर रेयर स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव काम, रेयर स्पीसीज के ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो काम करते रहे तो क्या होगा कि जो इसका जो कैटेगरी है वो किसमें, रेयर वाले पहुंच जाएंगे वल्नरेबल में और वल्नरेबल वाले पहुंच जाते हैं एंडेंजर्ड में। फिर उसके बाद अब इसमें रेयर वल्नरेबल वाले के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि उसमें वल्नरेबल वाले में क्या है, ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है और गैंगेटिक डॉल्फिन और ऐसी कुछ स्पीशीज है। और रेयर स्पीशीज की मैं बात करूँ तो रेयर स्पीशीज में हमारे पास हिमालयन ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है। तो अगर इनको इनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं अगर वो करते रहे तो रेयर स्पीशीज पहुंच, रेयर स्पीशीज वाले जो जो स्पीशीज हैं वो पहुंच जाएंगे कौन सी में, वल्नरेबल में। और वल्नरेबल वालों के ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो काम करते रहे तो नेगेटिव फैक्टर्स तो वल्नरेबल पहुंच जाते हैं किसमें, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि एंडेमिक स्पीशीज है, फिर एंडेमिक स्पीशीज जो होती है क्या होती है, देयर आर द स्पीशीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। अब ये वो स्पीशीज है जो एक कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही पाए जाते हैं या फिर किसी एक ज्योग्राफिकल नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर में ही पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अंडमान का जो टील है वो, निकोबार का पीजन हो गया, अंडमान का जो वाइल्ड पिग है आपका वो, मिथुन अरुणाचल प्रदेश का जो मिथुन है, ये क्या, ये कुछ ये क्या ना, ये कुछ एरियाज में पर्टिकुलर एरियाज में ही पाए जाते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट देन अगर हम बात करें कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन से हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की मैं बात करूं तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं आपके देयर, दीज आर द स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज। अब ये जो क्या, ये वाले जो स्पीशीज है ना, जो मैंने कहा था ना कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज जब इनके ऊपर नेगेटिव काम करते रहते हैं तो वो किसमें पहुंच जाते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म है उनका कोई, अब वो दिखते ही नहीं है। तो ऐसे ही होते, यही होते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इनको क्या है कि अब चाहे हम कितनी भी खोज कर लें इनकी, चाहे कुछ भी कर लें, अब ये मिलने वाले नहीं है भैया। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हैं आपके, अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एशियाटिक चीता की अगर बात कर लेते हैं कि एक एशियाटिक चीता हो गया, पिंक हेड डक हो गया, पिंक हेड डक और एशियाटिक चीता जो आप चाहे कितनी भी कहीं पे भी कहीं भी इतनी मेहनत कर लो, कितनी भी सर्च कर लो, आपको ये मिलने वाले नहीं है। अब एशियाटिक चीता की अगर हम बात कर लेते हैं कि वेयर डिड दे गो, अभी चले कहां गए, एशियाटिक चीता गए तो गए किधर, देखो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है कौन सा, चीता, वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है चीता। इसका जो बोटेनिकल नेम की अगर मैं बात करूं, बोटेनिकल नेम है इसका क्या, एसिनोनिक्स जुबेंटस, इसका नाम है एसिनोनिक्स जुबेंटस, इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली। ये क्या है कि यूनिक है और स्पेशलाइज्ड मेंबर है किसका, कैट फैमिली का, बहुत ही ज्यादा एक यूनिक मेंबर है। तो अभी क्या है कि हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं एक हृदेश देशी फिटनेस से, आपको कुछ लोग हैं और यहाँ पर तो हृदेश देशी फिटनेस से हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लग रहा है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो ये आप मुझे अच्छे से बताएं।
चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ऐसे अगर लाइफ में लगे रहे तो फिर इसमें क्या होता है कि लोग आएंगे और हम बातें करते रह जाएंगे और हमारा क्या होता है चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। चलिए तो आप सब जुड़े रहिए मेरे से और चीजों को पढ़ते रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको और आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एशियाटिक चीता की अगर मैं बात करूं तो एशियाटिक चीता जो है आपका वो क्या है, वेयर डिड दे गो, अब ये चला तो चला कहां गया। देखो पहले पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एशियाटिक चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। कैसा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है और जिसका बोटेनिकल नेम एसिनोनिक्स जुबेंटस है। जिसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है कि जिसका बोटेनिकल नेम एसिनोनिक्स जुबेंटस है, एक यूनिक स्पेशलाइज्ड मेंबर है जिसकी जो रफ्तार होती है ना, कैट फैमिली बोलते हैं ना, बिल्ली की फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसकी अगर मैं बात करूं कि ये जिसकी जो रफ्तार है ये करीब करीब नहीं तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता था एशियाटिक चीता, जो कि विलुप्त हो गया, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको देखने में, कितनी भी आप खोज कर लो चाहे कुछ भी कर लो आपको नहीं मिलने वाला है। देन द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। देखो गलतियां होती हैं, लोग क्या है ना कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीता और लेपर्ड में फर्क क्या है। तो मिस्टेक ये होती है कि कभी कभार लोग लेपर्ड को ना, लियोपर्ड जो है आपका, लियोपर्ड को क्या मान लेते हैं, चीता मान लेते हैं। इट इज डिस्टिंग्यूज्ड, इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयरड्रॉप शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज। अब देखो इसको डिस्टिंग्यूज किस तरीके से किया जा सकता है, इसको अगर मैं कहूं कि इसमें डिफरेंस क्या है तो डिफरेंसिंग इसका यही है कि जो इसका जो मुंह होता है, जो चीता का जो मुंह होता है, इसमें क्या होता है कि लंबी लंबी टीयर ड्रॉप शेप लाइन होती है, मतलब आंसू जैसी लाइनें होती हैं इसके मुंह पर। तो और ऑन ईच साइड ऑफ इस नोज, उसकी नोज की दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो नोज के दोनों तरफ है वहां पर ये आंसू जैसी लाइनें होंगी। तो और इसकी कॉर्नर ऑफ इट्स आइज फ्रॉम, अब उसकी आंखों से लेकर उसकी नाक से होता हुआ वो दो लाइनें बन के जाती हैं। तो ये जो लाइनें जिनके ऊपर होती है ना, वही क्या होता है, एशियाटिक चीता होता है। और जिसके ऊपर ये नहीं होती है वो समझ जाना कि वो क्या है, लियोपर्ड है, वो एशियाटिक चीता नहीं है। प्रायर टू 20th सेंचुरी चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका। ठीक है, अगर हम आप 20वीं सदी से पहले की बात करें तो चीता जो है पूरे अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और एशिया दोनों में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, यहाँ पर ये पाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ कि आज की तारीख में ये चीता गया तो हुआ क्या, कब खत्म हुआ, इसका क्या सिस्टम हुआ, तो देखो अगर इसे हम आज की तारीख में बात करें तो नियरली एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही खत्म है, डिक्लाइन हो चुका है ड्यू टू द डिक्लाइन इन अवेलेबिलिटी। अब ये इसको खत्म क्यों हुआ, इसके क्योंकि इसके रहने की, इसको रहने के लिए और खाने के लिए जो चीज चाहिए होती है और जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो खत्म हो गया, धीरे धीरे वो खत्म होने लग गया। तो क्या होगा, चीजें जब आपके पास घर नहीं रहेगा, खाने को सामान नहीं मिलेगा तो आप कौन सा जीने वाले हो ना, आप भी नहीं जीने वाले। तो ये क्या है कि डिक्लाइन हो गया। देन आप स्पीशीज की बात करें कि द स्पीशीज वर डिक्लेयर्ड, अब ये जो स्पीशीज है इसको क्या हुआ कि लॉन्ग बैक 1952 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि एशियाटिक चीता जो है वो क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है। तो ये थी आपकी एशियाटिक चीता की कहानी, हम बात कर लेते हैं। देन ये क्या है कि अब चलो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि नेगेटिव फैक्टर्स, तो ये असलियत में नेगेटिव फैक्टर्स ये हैं क्या। तो अब नेगेटिव फैक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कि इफ़ यू लुक अराउंड, आप अगर अपने चारों तरफ देखते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर, हमने किस तरीके से अपना जो नेचर, अपनी जो प्रकृति है उसको किस तरीके से हमने बदला हुआ है, आप ये फाइंड करेंगे। अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आप क्या करते हैं कि अपने जंगलों से या फिर आप डायरेक्टली या इन जंगलों से या जानवरों से, वाइल्ड लाइफ जो आपकी जो जंगली जिंदगियां हैं वहां से आप देखेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप रिसोर्स वहां से लेते हो, क्या लेता है, वहां से आप अपने साधन जो आपके बनते हैं वो आप रिसोर्सेस लेते रहते हो। जैसे कि अब क्या चीजें लेते हो, आप वहां से वुड लेते हो, बार्क्स मतलब कि पेड़ की छाल ले लेते हो, पत्ते लेते हो, रबर लेते हो, मेडिसिन लेते हो, डाइस लेते हो, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको लेते हो, क्या वुड लेते हो, लकड़ियां तो लेते ही लेते हो, पेड़ की छाल भी लेते हो, पत्ते भी लेते हो, रबर भी लेते हो, मेडिसिन भी लेते हो, डाइस का मतलब क्या होता है, ये आपकी
जो कलर करने के लिए होता है ये डाइस, तो डाइस लेते हो आप, खाना वहां से लेते हो, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन वहां से आप लेते ही हो। आप देखोगे कि आप जो गांव में, गांव के क्षेत्र जो होते हैं उनमें क्या होता है कि लोग जाते हैं और जो अपना बबूल वगैरह के जितने पेड़ वगैरह होते हैं उनको तोड़ तोड़ कर छांट छांट के औरतें जो होती है अपने सर पर पूरा का पूरा गट्ठर बांध करके ले आती हैं ताकि वो रोटी बना सके। तो गांव में अभी भी भले ही आप सोचे कि कितना भी एलपीजी कनेक्शन बट गया है या फिर कुछ भी हो गया है, आप देख पाएंगे कि अभी भी वहां पर लोग जो हैं वो किस पर की चूल्हे पर रोटी बनाकर ही खाना पसंद करते हैं। या और कारण एक और है कि वहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी इतनी अच्छी खासी ठीक नहीं है, लोगों को पास इतना रोजगार नहीं है, जिसके कारण क्या है कि वो जो एलपीजी कनेक्शंस भले ही कितने भी कनेक्शन जो कनेक्शन बटे हुए हों उन सबको लोग भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है कि उनको दोबारा रिफिल करवा सके वो सिलेंडर्स को, इसलिए वो दोबारा से वही अपना फ्यूल के लिए जो लकड़ियां हैं उसका ही प्रयोग करते हैं। फॉडर, फॉडर का मतलब होता है आपका चारा। चारा किसके लिए होता है? आप चारा इंसान तो खाएगा नहीं, जानवर ही खाएगा, जो मवेशी वगैरह रखता है वो उसके लिए वो अपना फॉडर भी वहीं से लेते हैं। मैन्योर, मैन्योर की बात करें तो खाद, खाद भी आपको वहीं से मिलेगा। सो इट इज वी अवर सेल्फ। सो इसका मतलब जो ये क्या है, हम खुद ही हैं जो इस वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, मतलब इस वाइल्ड लाइफ को जो हमारी जो नेचुरल नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, इसको खत्म करने वाले हम ही हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम खत्म कर सकते हैं तो हम इसको सुधारने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हैं। ये सुधारने वाली बातें बाद में करेंगे, अभी सिर्फ खत्म करने की बातें करते हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, अब हमने खत्म किस तरीके से किया, इसको डैमेज इन्फ्लिक्टेड इन द फॉरेस्ट वर्स द पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन। अब सबसे ज्यादा अगर आप ग्रेटेस्ट डैमेज की बात कर लो, सबसे बड़ा डैमेज जो नेचर को हुआ, भारत देश के जो नेचर को हुआ, वो हुआ आपका कब, जब कॉलोनियल एक्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। कॉलोनियल पीरियड कौन सा था? कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है आपका अंग्रेजों का जब समय था, सबसे ज्यादा आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्स को खराब किया गया। जैसे अब खराब करने के तरीके क्या थे, एक था, एक तो सबसे पहला कारण हम मान सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज का मतलब कि रेलवे को जब उन्होंने, रेलवे का जब विस्तार किया तो उससे क्या हुआ कि रेलवे का विस्तार के लिए जो आप देखेंगे कि जो पटरियां होती हैं, पटरियों पर बीच में जो आज की तारीख में जो हम अब मसाले का जो पत्थर लगाते हैं उसकी जगह पर पहले क्या होता था कि लकड़ियां लगती थी। उन लकड़ियां वो आएंगी कहाँ से, वो लकड़ियां आती थी कहाँ से, वो आती थी आपके फॉरेस्ट से, जंगलों से आती थी। और ये भी जो भी लोग मेरे से, ये लोग जुड़े हुए हैं ये लाइव में, ये लोग मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मुझे जरूर बताएं इसमें। एंड इफ आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ये हो गया आपका एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हुआ, एग्रीकल्चर आपने देखो रेलवे बढ़ाया, अब एग्रीकल्चर भी बढ़ाओगे। अब सोचो, अब अगर आपको खेती बढ़ानी है तो खेती के लिए जगह चाहिए, अब जगह चाहिए तो फॉरेस्ट कटिंग, अगर आपके पास जितनी जगह है, अब जगह रबड़ तो है नहीं कि खिंच जाएगी, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपके फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा और वहां पर चीजों को क्या करना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा और उसको खेत वगैरह बनाना पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि अपनी नेचुरल फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट खत्म होने लग गए। अब कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होने लग गई, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि आप फॉरेस्ट तो बना रहे हो, कोई बात नहीं, आप फॉरेस्ट तो बना रहे हो, लेकिन उन फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आप ये चाहते हो कि प्रत्येक एक या दो तरीके के जो पेड़ होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है वही उगाए जाए, है ना। तो ये हो गई आपकी क्या, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में आ गया आपका। और माइनिंग एक्टिविटीज से भी आपका क्या होता है कि चीजें, माइनिंग एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी, उससे भी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं कि माइनिंग की वजह से। ये क्या है कि सोचो, अब कहीं पर आप माइनिंग कर रहे हो, खदा किसी की खान है, अब कोयले की खान है, वहां पे जब आप उसे फोड़ोगे, डोलोमाइट लगाओगे, वहां पे वो ब्लास्ट वगैरह करवाओगे, तो वहां धुंध वगैरह जो उड़ती है, धुंध वगैरह उड़ने की वजह से क्या होता है कि वो जमीन के ऊपर मतलब फैल जाती है। आप कभी भी देखेंगे, आप कभी आपको मौका लगे तो आप जाकर के देखना कि जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज के चारों आसपास का जो एरिया जो होता है वो क्या होता है कि उसमें धुंध की वजह से आसपास के एरिया की जो धरती होती है, धरती के ऊपर सीमेंट के कण फैल जाते हैं। उन कण के ऊपर जब वो फैल जाते हैं, फिर वहां पे जब बारिश हो जाती है तो वो जो कण है वो क्या बन जाते हैं, वो थोड़े से हार्ड टाइप हो जाते, हार्ड हो जाते हैं। अब क्या होता है, एरेशन ऑफ लैंड, मतलब कि लैंड का जो, लैंड में से जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को बाहर नहीं लिया जा सकता, मॉइस्चर बाहर आ नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वो पक्का हो गया, है ना। इससे क्या होता है कि अब यहाँ पर आपकी, आपकी जो जमीन है वो जमीन भी खराब हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमारा लैंड पोल्यूशन हो गया। कौन सा पोल्यूशन हो गया? लैंड पोल्यूशन हो गया, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा रखा है। देन अगर हम इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की भी बात कर लें,
तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है वो हमारा होता रहा है। भले ही अंग्रेजों के जाने के बाद हम आजाद हुए हों, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई हमारे जो ये जो फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट किसी काम का नहीं, हम क्या मतलब ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से लेंगे, इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में ध्यान दिया गया जब इनको होश आया, तो अब इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर की जो एक्सपेंशन था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन मतलब कि जमीन को बढ़ाना, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जमीन को बढ़ाने का जो कार्य था ये आगे बढ़ता चला गया, इसको बढ़ाते चले गए। इससे क्या हुआ कि डिप्लीशन हो गया, किसका, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया। अब जैसे ही आपने खेती के लिए जमीन बढ़ाई, अब एक ही चीज होगी ना, या तो फॉरेस्ट को कम कर लो या जमीन को बढ़ा लो, है ना भैया। फॉरेस्ट अगर आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फॉरेस्ट भी उतना ही रहे और जमीन भी बढ़ जाए, ऐसा होगा नहीं। तो कहने का मतलब फॉरेस्ट को कट किया जाएगा तभी तो आगे जमीन बढ़ेगी, इसके लिए, खेती के लिए। अब जब खेती की जमीन बढ़ गई तो फॉरेस्ट कम हो गए। अब 1951 से लेकर 1980 की अगर हम बात कर लेते हैं, एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया था। क्या आया था? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर द इंडिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि सन 1951 से लेकर 1980 तक करीब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, मतलब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट का जो एरिया था, उस एरिया को काट कूट कर किसमें बदल दिया गया, एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया गया। किसमें, साफ लिखा हुआ देखो, कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया में, पूरे इंडिया, पूरे भारत में क्या हुआ कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था उसको कन्वर्ट करके रख दिया, किसमें, वो कन्वर्ट करके उसको बना दिया एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं पहले इनसे पूछना चाहूंगा कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप जो भी हैं मुझे बताओ, तो ताकि हम उसके हिसाब से चीजों को चलते चलें। देन सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स। अब सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट की अगर आप बात कर लेते हैं कि कुछ आपके ट्राइबल बेल्ट हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, कुछ ट्राइबल मतलब ये जो आदिवासी जो बेल्ट है आपकी, ये किसमें, ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वहां पर कुछ चीजें होती हैं। जैसे देखो, अब मैं वहां पर आपके लिए बताता हूँ कुछ चीजें, मैं थोड़ा कलर इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे अब देखिए, अब जो ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न का या फिर सेंट्रल इंडिया का, जो सेंट्रल इंडिया का जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट आपको पता है ना, मणिपुर, असम, मेघालय, और ये जो ये वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट का शेड क्षेत्र है। और सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इधर की तरफ मालवा जो उधर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है आपका, ग्वालियर वाला आसपास का, ये जो आपका सेंट्रल इंडिया में आ जाता है, तो ये वाला जो एरिया है ये वहां का एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि देखो, आए आपने वहां पे खेती करी, पहले तो चीजों को काटा, जलाया वहां पे, जलाने के बाद में वहां पे क्या है, आपने छोड़ दिया उसको ऐसा ही, फिर आपने वहां पे उसको साफ करके वहां खेती की। खेती करने के बाद में वहां पे करते रहे, जब आपको लगा कि अब यहाँ पे उपज नहीं हो पाएगी, वहां से गए कहीं और शिफ्ट हो गए, और सेम तरीका वहां भी यूज किया, फिर इस वाली जमीन को छोड़ दिया ताकि भाई ये वाली जमीन तब तक इसमें थोड़ा सा उपजाऊपन आ जाए, वहां पहुंच गए, वहां पे भी ऐसे जमीन को पूरी को खराब किया, देन उसके बाद लौट के कहीं और तीसरी जगह चले गए, ये सब होता था इसमें। तो आप ये सब चीजें आपको मिलती थी। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम, क्या, देखो अभी हमसे सवाल पूछ रहा है, ये कह रहा है क्या अंग्रेजों की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, अंग्रेजों की जो आपकी जंगलों के लिए जो पॉलिसी थी उसको हमें ब्लेम करना चाहिए, उसके ऊपर सारा का सारा आक्षेप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या फिर कुछ कमियां हमारी भी हैं, तो ये सारी की सारी इसमें हम बात करेंगे। देन सम ऑफ अवर एनवायरमेंट एक्टिविटीज सेज द प्रमोशन ऑफ फ्यू फेवर्ड स्पीसीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या है कि सम अपनी कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं जिनमें कि फेवर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया, अवर एनवायरमेंट एक्टिविटीज से द प्रमोशन ऑफ फ्यू फेवर्ड स्पीसीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ऐसी बात नहीं है कि कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज जो हमारी खुद की ऐसी है कि जो कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ चुनिंदा स्पीसीज जो है ना आपकी पेड़ों की, तो उनको ही हम चाहते हैं कि यही उगाए जाएं, क्योंकि वो हमारे कुछ ज्यादा ही
हमको प्रॉफिट वगैरह देते हैं। चल तो has been carried through the ironically termed enrichment plantation। अब देखो हम कुछ चुनिंदा पेड़ों को उगाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा गर्वान्वित नाम दे देते हैं, इसी को बोलते हैं ironically, सरकास्टिकली, ironically। तो ironically अगर हम इस टर्म और इस टर्म को हम क्या देते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन, इसका नाम दिया रखा है कि एनरिचमेंट प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन को आप क्या करेंगे एनरिच कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आप एनरिच करने की बजाय क्या है कि आप कुछ चार को सेलेक्ट करके बाकी को क्या कर रहे हैं आप बिल्कुल उनका तिरस्कार कर रहे हैं, आप खत्म कर रहे हो उनको, उनको आप लगाना नहीं चाहते। इन विच अ सिंगल कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीशीज वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर एंड अदर स्पीशीज एलिमिनेटेड, बाकी की जो स्पीशीज है वो क्या है एलिमिनेट हो जाती है। फॉर इंस्टांस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। अगर हम इसमें ही इंस्टेंस में अगर हम एग्जांपल में देखें कि कुछ आपकी टीक मोनोकल्चर जो है उसने क्या है नेचुरल फॉरेस्ट साउथ इंडिया के, साउथ इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट को क्या किया है खत्म किया है। और चिरपाइन की जो प्लांटेशन है आपकी, जो चिरपाइन की जो प्लांटेशन है इसको चिरपाइन की प्लांटेशन है, चिरपाइन को जो बोटेनिकल नेम है वो आपका है पाइनस रॉक्स बोर्गी। इसमें क्या है प्लांटेशन इन हिमालय, इसका जो है ये प्लांटेशन जो है ये हिमालय में होता है। अब हिमालयस में ये प्लांटेशन होता है रिप्लेस्ड बाय हिमालयन ओक, किससे रिप्लेस किया गया चिरपाइन को, किससे रिप्लेस किया मतलब किसकी जगह पर चिरपाइन को लगाया गया। तो कहने का मतलब ये हिमालय के जो ओक, हिमालयन ओक नाम के जो पेड़ हैं जिनको हम क्वर्सियस एसपीपी डॉट कहते हैं, तो इनको हटाया और चिरपाइन को लगाया। रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट जो है आपके वहां से, यहां से हटाया इन फॉरेस्ट में भी इनको लगाया गया। फिर आगे बात कर लेते हैं कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ, अब जो लार्ज स्केल बड़े लेवल पे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे भी बहुत से अपने जो फॉरेस्ट हैं वो भी, उनसे भी फॉरेस्ट का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। 1991 से अगर मैं बात करें 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। 1991 में क्या है 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, मतलब अपने 5000 स्क्वायर किलोमीटर जंगलों को काट कर वहां से क्या बनाया गया रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। कौन से रिवर वैली प्रोजेक्ट, याद रखना है इन सब चीजों को, हृदय देशी फिटनेस, आप इन चीजों को याद रखना बहुत ही अच्छे से। देन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। अभी तक ये जो फॉरेस्ट को काटने की जो विधि, यही जो आपकी जो रीत रिवाज चल रहा है इसको अभी तक ये जारी है। क्यों, अब जैसे अब कुछ फॉरेस्ट, कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का जो बन रहा है आपका वो है, जिसमें कि विच वुड इनुंडेट 40,000, जिसमें कि 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट का 40,000 हेक्टेयर को खत्म कर दिया जाएगा, इसमें घेर लिया जाएगा। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट, अब एक तो ये जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो होते ही है, दूसरा एक होता है आपका माइनिंग प्रोजेक्ट, एक माइनिंग, माइनिंग इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, एक माइनिंग फैक्टर होता है, एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल का है, ये भी सीरियसली थ्रेटन्ड डोलोमाइट माइनिंग की वजह से होता है, यहाँ पे भी अब बहुत ज्यादा थ्रेटन हुआ हुआ है। इट हैज डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज, इसने क्या कि नेचुरल हैबिटेट जो मैनी स्पीशीज का है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट एलिफेंट, इंक्लूडिंग द ग्रेट एलिफेंट। अब इसने देखो अब ये डोलोमाइट माइनिंग वगैरह की इससे क्या होता है कि लोगों जानवरों की जो माइग्रेशन एक्टिविटीज जो होती है ना उसको भी ब्लॉक कर देता है, किसको माइग्रेशन रूट जो होते हैं। अब कुछ जानवर क्या होते हैं इस देश से दूसरे देश में वो किस कैसे आते हैं, कुछ रास्ते ही तो होते हैं ना, जिन रास्तों को उनको याद होता है कि इन रास्तों से ही जाना होता है, इनसे ही आना होता है, तो वो उन्हीं से माइग्रेट करते हैं, या फिर किसी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो किसी ना किसी अपने अपना उनका खुद का एक उनका खुद का एक रास्ता होता है जिससे कि वो कोशिश कर वहां से जाते हैं आते हैं, तो ये वही रीजन होते हैं आपके, तो उन्हीं रीजन में तो इन उन रीजन को ये क्या हो जाते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। देन मैनी फॉरेस्ट मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड अ व्यू ऑफ ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग।
और कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्टर्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट वो कहते हैं कि भाई डिप्लीशन के लिए ना, एक तो ये जो ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन जो होता है ना, अब जो ग्रेजिंग है और फ्यूल वुड कलेक्शन जो, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये इतना कुछ खास नहीं करता है, क्योंकि फ्यूल वुड जो आपका जो आप लेके आते हो, फ्यूल वुड जो है वो इतने बड़े लेवल पे लोग नहीं लेते हैं उसमें से, वो भी वही चीज लेते हैं फ्यूल वुड के लिए, तो वही सारी चीजें लेते हैं जो लकड़ियां टहनियां जो गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, उन्हीं को लेते हैं, ज्यादातर तो उन्हीं को लिया जाता है। दो देर में भी सम सब्सटेंसेस इन देयर आर्ग्यूमेंट, माना जा सकता है कि हाँ भाई कुछ थोड़ा सा उनके में वेट है उनके उनके आर्ग्यूमेंट में, लेकिन फिर भी हम एक फिर भी क्या है कि ये फैक्ट अगर हम इसकी बात करें, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फ्यूडल फॉर्डर डिमांड इज मेट बाय लोपिंग रादर देन बाय फेलिंग्स एंटायर ट्रीज। अभी क्या है कि वो क्या कहने का मतलब है कि भाई अब वहां से माना हम वहां से फ्यूल वगैरह लेके आते हैं लोग, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेड़ गिरा देते हैं, पेड़ तो नहीं गिराते हैं ना, कम से कम वहां पे वो जो टूटा हुआ है या फिर थोड़ा सा काट कूट के उसे लेके आते हैं, ये पूरा पेड़ तो गिराते नहीं है वो। लेकिन तो ये इसमें एक हम एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब थोड़ा सा ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा हल्का सा पड़ जाता है कि हाँ भाई ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड जो कलेक्शन है उसकी वजह से भी फॉरेस्ट डिप्लीशन हो रहा है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। These protected areas thus mean different things to different peoples and therein lies in the fertile of the ground. तो फिर हिमालयन यू की हम बात कर लेते हैं, हिमालयन यू ट्रबल। अब एक हिमालयन यू है टैक्सस वैलेंसिना, इज अ मेडिकल प्लांट। अब एक मेडिसिनल मतलब एक दवाइयों का प्लांट, ये एक दवाइयों का प्लांट है। ज्यादातर ये पाया कहाँ जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, केमिकल कंपाउंड है टैक्सोल नाम का, एक केमिकल कंपाउंड होता है टैक्सोल नाम का। इसका क्या होता है, ये कहाँ से, ये आपका मिलता है कहाँ से, पेड़ की छाल से। और पेड़ की छाल में क्या किया जाता है कि एक सुई टाइप आपको एक उसमें लगाई जाती है, जिसमें से क्या होता है कि उसमें से वो जो टैक्सोल जो है वो निकलता है, और उसको लोग क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके डिस्ट्री ट्विक्स एंड द रूट्स ऑफ दिस ट्री, इसके इसकी जो छाल है उस पर लगा देते हैं, और इसकी जो इस पेड़ की जो रूट्स जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं उसमें उसको लगा देते हैं, तो वहां से इन सब चीज़ों को लेते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स। अब याद रखिएगा, ये टैक्सोल नाम का जो ये जो केमिकल कंपाउंड है, और हिमालयन यू जो प्लांट है आपका हिमालयन यू, ये इससे क्या होता है कि इससे कुछ तरीके के जो कैंसर्स होते हैं ना, उन कैंसर्स को सुधारने के लिए दवाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देन अ ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग। अभी जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंटी कैंसर ड्रग है पूरे वर्ल्ड में। सुनो, हिमालयन यू मिलता कहाँ पर है, हिमालयन यू मिलता है आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। देन इफ वी टॉक अबाउट ओवर, इसमें फिर आपका ये आता है कि द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब ये स्पीशीज है ना बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, बहुत ही खतरे में आ चुका है, क्यों, क्योंकि इसको बड़े लेवल पे अब क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसको बड़े लेवल पे लोग क्या है इसमें से चीजें निकालने लग गए हैं। अब क्या है कि इसका जो टैक्सोल नाम का जो है, ये पेड़ के लिए होता है, पेड़ के अंदर है, तो मतलब पेड़ के किसी ना किसी काम में आता होगा। अब क्या है कि वो पेड़ को जब मिल नहीं पाएगा तो क्या होगा, पेड़ तो सूख जाएगा ना। तो अब क्या हम कुछ पिछले एक डिकेड से, हमें 10 साल के पिछले 10 साल से हम देख पा रहे हैं कि बहुत हजारों लेवल पे ट्रीज जो है ना, ये जो हिमालयन यू के, ये क्या हो गए, सूख गए हैं। कहां पर, बहुत से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में ये सूख गए हैं। देन हैबिटेशन की बात कर लेते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर द फैक्टर्स which have led to the decline of in Indian biodiversity. अब इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने में किस किस का हाथ रहा है, इसमें रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, हंटिंग का, पोचिंग का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, और आपका ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया और फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन फैक्टर, ये सब चीज़ों का फैक्टर ये रहा है।
कुछ बाकी के इंपॉर्टेंट कॉजेज भी हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के, जैसे अनइक्वल एक्सेस हो गया, अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, बड़े इनइक्विटेबल मतलब ढंग से आप बराबर मात्रा में शेयर इसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशियल शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल वेलबींग, ओवर पॉपुलेशन इज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ओवर पॉपुलेशन है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवर पॉपुलेशन में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड ऑफ द कॉज ऑफ द ये। देन अगर हम देखें कि एक एवरेज अमेरिकन जो होते हैं ना, एक एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। एक अमेरिकन जो होता है ना, एक एवरेज अमेरिकन जो होता है वो करीब 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज का प्रयोग करता है एज कंपेयर टू एवरेज सोमालियन। सोमालिया के नाम जो कंट्री है, वहां के लोग, वहां का कोई एक इंसान और अमेरिका का कोई एक इंसान, एक एवरेज इंसान 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज का प्रयोग कर लेता है। वहीं अगर हम इंडिया में बात, यहाँ इधर बात करें कि द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के जो 5% लोग है ना, जो बिल्कुल ही ज्यादा ही कतई अमीर, कतई मतलब अंधाधुंध अमीर वाले, वो वाले, तो वो जो 5% है ना, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज, वो कुछ ज्यादा ही डैमेज करते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन, बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। अब फार्मर शेयर्स की बात करें, फार्मर शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक बात बताओ, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और कितना कर रहा है, कौन कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, ये सवाल बनता है। तो चलिए अब हम इनमें इन सवालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, डू यू, सबसे पहले हम देखते हैं डू यू नो को, डू यू नो क्या कहता है, डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन, 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड। जो आपका ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट, इंडिया का जो हाफ नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो आपके 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन्ड आउट, जो आपका जो वेटलैंड जो है उसका 1/3 हिस्सा क्या है कि वो क्या हो गया है, ड्रेन्ड आउट मतलब खत्म हो चुका है, वेटलैंड का आपका जो वो मतलब पानी वहां से खत्म हो चुका है। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड, इसकी खुद की सरफेस वाटर बॉडीज जो है वो 70% बिल्कुल पॉल्यूट हो चुकी है। 40% मैनग्रूव फॉरेस्ट जो है, 40% आपके जो 40% मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं उनको खत्म हो चुके हैं, 40% मैनग्रूव फॉरेस्ट जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्या समझ में आया। देन 40% आपके ये खत्म हो चुके हैं, वाइप्ड आउट एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट, तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर हेडिंग टुवर्ड एक्सटिंक्शन। बहुत से हजारों जो प्लांट और एनिमल हैं वो क्या है, एक्सटिंक्शन होने वाले हैं। ये सब चीजें हैं लाइफ में जो भी जुड़ा हुआ है मेरे साथ, वो एक बार मुझे कुछ भी कमेंट करके बताएं कि क्या कैसे चल रहा है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए आगे है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। अब जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन है वो एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन बायोलॉजिकल लॉस जो है वो क्या है कि कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ में कोरिलेट करता है। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पोवरिश्ड मैनी इंडिजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हु डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ फूड। ठीक है, अब इससे क्या है कि बहुत सी जो कम्युनिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों के ऊपर ही अपना निर्भर रहती हैं कि वाइल्ड लाइफ अपने फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर स्पिरिचुअलिटी कल्चर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, और विद इन अ पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन। अब क्या होता है कि जो गरीब इंसान होता है, गरीबों में क्या होता है कि औरत ज्यादा अफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू द मैन। इन मैनी सोसाइटीज वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल।
बहुत सी सोसाइटीज में क्या होता है कि वुमेन का ही काम होता है कि वो जाकर के फ्यूल को कलेक्ट करेगी, फॉडर को कलेक्ट करेगी, वाटर अदर बेसिक सब्सिस्टेंस जो है नीड है उन सबको कलेक्ट करेगी। फिर एज दीज रिसोर्सेस आर डिप्लीटेड, एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड द ड्रगरी और द वुमेन इंक्रीजेस। समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर द मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दीज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें काम बढ़ जाता है, करीब करीब हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 10 किलोमीटर तक उनको चल के जाना पड़ता है इन रिसोर्सेज को लेने के लिए। दिस कॉजेज द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से क्या होता है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, जिससे बिकॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फॉर वुमेन्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन एंड द नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इंक्रीज आवर्स ऑफ द वर्क विच ऑफर हैज विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस। दिस इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवरल सीवियर ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड फ्लड। अब इसमें कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होते हैं जैसे कि आप किसी डिफॉरेस्टेशन हो जाए, इंड्यूस्ड फ्लड्स हो जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर पॉवर्टी इन दीज केसेस आर डायरेक्टली आउट पॉवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। जब भी अब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है तो फिर गरीबी तो आती ही आती है। देयरफॉर द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड द वाइटल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए कहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो होती है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट किसी भी क्षेत्र में सब कॉन्टिनेंट में उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज इम्पेरेटिव टू अडेप्ट साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चीज़ें को अडेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बना के रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कंजर्वेशन फैसिलिटीज अपनी उसके लिए कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब इंडिया में कंजर्वेशन फॉरेस्ट कैसे होता है कि कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। अब ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रहेगा, बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन हमें क्यों करनी चाहिए भाई कंजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, हम क्यों करें कंजर्व, ठीक है ये आपको बताना है। इसमें क्या कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन प्रिजर्व था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन की वजह से क्या होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी प्रिजर्व होती है और अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम सही बना रहता है, जैसे पानी एयर सॉइल ये सारी चीज़ें क्या होती है ढंग से बनी रहती हैं, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो सही से बना रहता है। अब इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग्स। अब इससे क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट और एनिमल की जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी क्या होती है कि इसमें प्रिजर्व होती है ताकि ग्रोथ स्पीशीज और स्पीशीज की ग्रोथ और ब्रीडिंग दोनों अच्छे से हो। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इन एग्रीकल्चर वी स्टिल डिपेंड ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज। आज भी हम क्या है जो आपकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज हैं उन्हीं के ऊपर हम आज भी काम करते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं कि ये क्या है। देन इसके बाद हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा कि फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट। फिशरीज जो हैं वो खुद डिपेंडेंट होती है मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। आप एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करोगे, मतलब जो अगर आपने आपके जो वाटर पोल्यूट हो गया है तो क्या वहाँ पर जो छोटे छोटे जीव जंतु या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं वो नहीं रहेंगी। अब वो नहीं रहेंगी तो मछलियाँ तो वैसे भी नहीं रहेंगी। फिर ये सब चीज़ें देखते हुए क्या हुआ कि 1960 और 1970s में कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब कंजर्वेशनिस्ट जो होते हैं जो चाहते हैं कि ये इस नेचुरल वाइल्ड लाइफ को इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, उन्होंने क्या किया एक डिमांड की, उन्होंने कहा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमको ला के दो। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1992 में लागू कर दिया। कौन सा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 में लागू कर दिया विच वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स एंड इंडिया लिस्ट ऑफ अब एक ऑल इंडिया लिस्ट। फिर क्या इसमें क्या हुआ, इसका काम क्या था कि इसमें प्रोविजंस दिए हुए थे किस तरीके से हमें हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है और इसमें एक ऑल इंडिया लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज की ऑल इंडिया लिस्ट जो थी उसको पब्लिश किया गया। The thrust of the program was toward protecting the remaining population of the अब इसमें क्या था इसका मेन एम ये था कि किसी तरीके से आपको जो रिमेनिंग आपकी जो पॉपुलेशन बची हुई है
स्पीशीज की, उनको एंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग। अब इनके जो रिमेनिंग पॉपुलेशन जो बची हुई है उसको क्या किया, किसी तरीके से बचाना है, ताकि उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो हंटिंग है आपकी, जो शिकार है, शिकार उन उन जानवरों का, उन स्पीशीज का शिकार ही उन्होंने क्या कह दिया कि इनका शिकार जो है वो वर्जित है, इनका शिकार जो है वो वर्जित है। देन इफ देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उनका शिकार वर्जित है, गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, उनको क्या उनकी जो हैबिटेट है उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया गया, रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड वाइल्ड लाइफ, अब जो वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेड थी वो भी उसको भी रोक दिया गया। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड द मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, अब क्या है कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया, फॉर अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी, जिनके बारे में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेशल एनिमल्स, और इन्होंने क्या कुछ प्रोजेक्ट बनाए जिनसे कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन्ड थे, जैसे इंक्लूडिंग द टाइगर, जैसे कि उसमें टाइगर बहुत ज़्यादा ही था, टाइगर हो गया, एक वन हॉर्न्ड राइनोसेरस हो गए, कश्मीर स्टैक हो गया और हंगल हो गया, थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल जो तीन क्रोकोडाइल के तीन तरीके के क्रोकोडाइल हो गए, एक होता है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया आपका, और उसमें घड़ियाल भी होता है, और एशियाटिक लायन जो होते हैं ये भी खत्म हो जाए हो रहे थे धीरे धीरे, तो इनके ऊपर भी काम किया। देन उसके बाद दूसरे हैं आपके अदर्स हैं, मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट की बात कर लेते हैं, ये इंडियन एलिफेंट हैं, ब्लैकबक चिंकारा जिसे बोलते हैं, ब्लैकबक चिंकारा हो गया, देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया गोडवान का, फिर तो स्नो लेपर्ड है आपका, एक स्नो लेपर्ड है, ये भी मतलब खत्म होने की उस पर था। देन इनमें क्या हो गया, इनको क्या क्या कुछ कहीं पर फुल तो कहीं पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दे दी इनको, कहीं पर फुल तो कहीं पर पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन मिली। देन ट्रेड थ्रू इनकी ट्रेड भी बंद करी गई। फिर देखो एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर प्रोजेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फनल वेब। आपको पता होना चाहिए कि टाइगर जो है सबसे बहुत ही ज्यादा की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज होती है इसमें, एक फनल वेब में, और 1973 में अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1827 रह गई थी, जो कि आपकी 55,000 थी, एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। जब ये सेंचुरी अब स्टार्ट होने वाली, 20वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी, तब इनकी जो जब 20वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी तब इनकी पॉपुलेशन जो थी वो करीब 55,000 थी, और जब इन्होंने देखा तो पता लगा इनको कि 1827 कुल टाइगर्स रह गए, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, तो उन्होंने क्या किया इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया। तो ये पहल एक मेजर थ्रेट था टाइगर पॉपुलेशन के लिए, नंबरस सच पोचिंग फॉर ट्रेड्स, इनकी ट्रेड हुआ करती थी किस चीज के लिए, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, और इनका हैबिटेट जो था इनका, मतलब कहने का मतलब इनका जो दायरा था, इनका रहने का जो दायरा था वो दायरा बहुत कम होता चला जा रहा था, इस वजह से ये मारे जा रहे थे, ये खत्म होते चले जा रहे थे धीरे धीरे। तो अब डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, अब इनके जो जिनका ये शिकार करते हैं ऐसे जो स्पीशीज होते हैं उनका भी वो भी खत्म हो रहे थे, तो फिर ये तो खत्म होने ही थे। तो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी, ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स, अब ट्रेड भी होती थी, टाइगर की जो खाल होती थी इसकी ट्रेड हुआ करती थी, यूज ऑफ देयर बोन्स, उनकी जो बोन्स हैं उनको मेडिसिन्स में प्रयोग करते थे, इसलिए इनको मार दिया जाता था, एस्पेशली इन द एशियन कंट्रीज में बात करें तो टाइगर पॉपुलेशन जो थी एक मतलब एक वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने के कगार पर आ गई थी कि पॉपुलेशन जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो एकदम खत्म हो जाएगी। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया और नेपाल हैबिटेट इट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइव। अब इंडिया, अब ये देखो, एक तो भाई पूरे देश में चर्चित था कि इंडिया और नेपाल एक ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड का 2/3 हिस्सा नंबर ऑफ टाइगर्स का इंडिया और नेपाल के पास है, तो ऐसे किसी रिकॉर्ड को हम कैसे छोड़ सकते थे।
तो ऐसे रिकॉर्ड को नहीं छोड़ सकते, तो कहने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा। और वो फिर ऊपर, फिर इसके बाद क्या है कि अमेरिका वगैरह जब जहां भी कभी बाहर जाते हैं तो बेइज्जती वगैरह, तो भाई बेइज्जती वगैरह फील होगी कि तुमने यार क्या तुमसे एक स्पीशीज को नहीं बचाया गया है ना। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। देन प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन। इससे क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन थी। प्रोजेक्ट टाइगर क्या थी, बहुत ही बड़ी एक कैंपेन थी, ठीक है, इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड इन 1973। इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट, इसको सिर्फ एफर्ट के रूप में नहीं किया गया, इसको सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए अब क्या किया गया कि देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में वो बनाया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में बनाई गई, मानस टाइगर रिजर्व असम में बनाया गया, पेरिया टाइगर रिजर्व केरला में बनाया गया, और ऐसे ही कुछ टाइगर रिजर्व पूरे इंडिया में बनाते चले गए। फिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं इंक्रीजिंगली इवेंट्स इवन। अब हम देखें तो इंसेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि भाई इंसेक्ट्स को भी अब बचाना है। बिगिनिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द प्लानिंग इन द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980-1986 सेवरल हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज। अब एक नोटिफिकेशन जो कि आपका अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आपको 1980 और 1986 में हम देख पा रहे हैं कि करीब सैकड़ों बटरफ्लाइज, मोथ, बीटल्स और वन ड्रैगन फ्लाइज जो हैं इनको भी प्रोटेक्ट करने की लिस्ट में इनको भी प्रोटेक्टर लिस्ट में डाल के रख दिया गया है, इनको लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। और 1991 की बात करेंगे, पहली बार 1991 में पहली बार ये ऐसा हुआ कि प्लांट की 6 स्पीसीज को भी ऐड किया गया। 1991 में पहली बार किसमें प्लांट की 6 स्पीसीज को भी ऐड किया गया। देन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3 चीज में। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट किस लिए होते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व। टोटल फॉरेस्ट लैंड जो इंडिया में है ना, उसका आधे से भी ज्यादा जो लैंड है उसको क्या है कि रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, रिजर्व किया जा सकता है, रिजर्व किया जाएगा उनको। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट वैल्यूएबल, इनमें क्या बहुत ही ज्यादा ये वैल्यूएबल होते हैं एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। फिर होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करीब एक तिहाई हिस्सा जो है फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड, वो क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये, क्या इसको डिक्लेयर किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड बाय एनी फर्दर डिप्लीशन। इसको आगे डिप्लीट ना हो इसके लिए प्रोटेक्ट करके रखा गया है। देन अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, कुछ अनक्लास फॉरेस्ट हैं, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड। अब ये बाकी के फॉरेस्ट हैं जैसे बाकी के फॉरेस्ट बच गए जैसे वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, इसमें ये आ जाते हैं। देन हम बात करें आगे, आप एक बार फिर से दोबारा हितेश यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, तो इनके लिए बहुत तालियां। और चलिए तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं और अपना अनक्लास फॉरेस्ट जो है हमारा। फिर आता है कि आप देखो हितेश यादव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अगर आप ऐसे जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि भाई हमें कोई ना कोई देख रहा है, वरना ऐसा लगता है कि बस हम बेमतलब में बड़बड़ा जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको आप हमारे साथ बने रहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना, दोबारा से हम लौट कर अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, उनको परमानेंट फॉरेस्ट। फिर आप क्या है कि इसमें बात कर लेते हैं कुछ कि मध्य प्रदेश हैज अ लार्ज एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। उसका मध्य प्रदेश का जितना भी, मध्य प्रदेश के पास में जितना भी फॉरेस्ट है उसका 75% फॉरेस्ट जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब के पास में एक बड़ी मात्रा में बड़े परसेंटेज में लार्ज परसेंटेज है रिजर्व फॉरेस्ट की,
ऑफ इट्स फॉरेस्ट एरियाज वेयर, जहां पे और वहीं अगर हम देखें कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनके पास भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। देन अगर हम बात करें ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, सारी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ पार्ट गुजरात का कुछ पार्ट है, इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसमें क्या बहुत ही ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटी, जिसको लोकल कम्युनिटी के बारे द्वारा मैनेज किया जाता है। देन अगर हम आगे बात करें कि कम्युनिटीज और रिजर्व कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, अब देखो ये हमारा खत्म होने वाला है यहाँ चैप्टर, ये अब ये हमारा जरा सा ही रह गया है, इसको खत्म होने के बाद ये हम क्या है कि ये हमारा सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करेंगे, ये जो पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं इन पिक्चर्स वगैरह को और देखेंगे। और चलिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो हमारी कंट्री में कोई नई चीज तो नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम, हम भूल जाते हैं इंडिया में, इग्नोर कर देते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो खुद हमारे होम टू सम जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है, वो फॉरेस्ट खुद किसी ना किसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के लिए क्या है, आदिवासियों के लिए खुद फॉरेस्ट जो है वो एक घर है। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज, कुछ एरियाज में आप देखेंगे कि लोकल कम्युनिटीज जो है वहाँ की जो लोकल समुदाय जो है वहाँ के, वो खुद इस चीज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं कि उनकी चीजों को कंजर्व किया जा सके, वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको बचाया जा सके। हैबिटेट्स अलोंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लोन ऑन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, उनको पता है कि भाई अगर ये जो फॉरेस्ट हैं ये रहेंगे तो हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा तो रहना बहुत मुश्किल है। देन जैसे ही एक हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात कर लें, राजस्थान की बात करते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, जिसमें कि विलेजर जो वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, विलेजर्स जो हैं, उन्होंने क्या किया कि लड़ाई वो लड़ते रहते हैं किस चीज़ के, माइनिंग जो हो रही है, सेटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के, वहाँ के आसपास के जो विलेजर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर लड़ते रहते हैं कि अब ये बताओ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो उसका किसका हवाला देते हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम वो सरिस्का टाइगर रिजर्व को हम बचाना चाहते हैं, हमें बचाने दो क्यों, और वो क्या कहते हैं कि इस माइनिंग को बंद कर दो। भाई माइनिंग की वजह से क्या होता है कि चीज़ें गड़बड़ होती हैं, आप माइनिंग को बंद कर दो, वो सिर्फ इतना चाहते हैं। देन अब हम बात करें इन मैनी एरियाज, एक बहुत से एरियाज हैं ऐसे हैं जहाँ पे कि विलेज जो हैं प्रोटेक्टिंग हैबिटेट हैं, विलेजेस आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, वो क्या कि गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बंद करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भैया देखो एक बात सुनो, ये हमारा एरिया है और इसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉरेस्ट है, इसको हम कंजर्व करेंगे और तुम इसमें अपनी टांग ना अड़ाओ, ठीक, उन्होंने लतियाए जाओगे, सीधी बात, उनका सीधा सिंपल फंडा होता है कि भाई तुम मत बीच में बोले यार, हम खुद कर लेंगे, हमें खुद पता है कि हमारा जीवन खुद इनके ऊपर ही चल रहा है, ठीक। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के, उसमें क्या है कि पांच गांवों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर ऑफ जो 1200 हेक्टेयर जो जंगल है, जंगल का 1200 हेक्टेयर जिसको हम भैरोदेव दकव सेंचुरी कहते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये भैरोदेव दकव सेंचुरी है और इसको बचाने के लिए हमारे खुद के रूल होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे खुद के होंगे, हम इसको बचाएंगे, नॉट अलाउंग हंटिंग, वहाँ पर क्या वो हंटिंग को अलाउ नहीं करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को, ताकि कोई बाहर से आउटसाइड एनक्रोचमेंट ना हो, उससे वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। देन सेक्रेट ग्रुप्स, एक कंसेप्ट था कि किसी भी चीज को अगर आपको बचाना है तो उससे धार्मिक आस्थाएं जोड़ दो, तो ऐसे ही क्या होता है कि ये धार्मिक आस्थाएं जोड़ने का, तो अब मैं आपको सिंपल इसको तो देखो मैं बिना पढ़े बता सकता हूँ आपको सारी चीजें, ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि देखो आप देख पाएंगे कि शादी ब्याह मतलब पूजा पाठ जो भी होता है ना, इसमें आप देखेंगे कि फूल पत्ते ये सारी चीजें, ये सब चीजों का यूज होता ही है, फूल पत्ते होते हैं। अब जैसे शादी में आप देखेंगे कि
ये जो आपका आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ के पत्ते जो होते हैं, इसका प्रयोग बहुत होता है। तो इन सब ऐसे कुछ पेड़ हैं, इनको धार्मिक घोषित कर दिया गया, इनसे कुछ इनसे धार्मिक आस्थाओं को जोड़ दिया गया। अब सोचो जब किसी चीज को धार्मिक आस्था, आप ये तो जानते हो कि भारत ऐसे भारत क्या मतलब किसी भी देश में आप देखेंगे कि अगर नशा धर्म का हो, अगर नशा धर्म को हो तो उससे तगड़ा नशा कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और अब किसी चीज को धार्मिक चीजों से जोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या उसके लिए इंसान लड़ मरेगा, डरेगा, लड़ेगा, डरेगा, सब कुछ, मतलब कुछ भी करेगा लेकिन बचाएगा, बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही होता है कि देखो अभी क्या हुआ कि लोगों ने बनियान ट्री के साथ, बरगद के पेड़ के साथ में, आम के पेड़ के साथ में, और ऐसी तुलसी का पेड़ है, और ऐसी बहुत से पेड़ हैं जिनको चीजें जो हैं उनसे धार्मिक रीति रिवाजों को जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही है, तो इसमें देखो कि आपका एक देखोगे कि सेक्रेट ग्रूव्स, कुछ फॉरेस्ट को सेक्रेट कर दिया, जैसे कि वर्जिन सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन्स ऑफ द प्रिस्टीन, जैसे कि दीज पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट पार्ट ऑफ द, इसे हटाओ अनटच्ड, इसमें क्या होता है कि ऐसी जो सेक्रेट जो धार्मिक होते हैं वहाँ पे क्या होता है इसको कोई टच नहीं करेगा लोकल पीपल, और एनी इसमें क्या रूल बन जाते हैं और बैन कर देता है कि भाई इसे कोई छुएगा वुएगा नहीं यार, मतलब अपवित्र वगैरह, अपवित्र हो जाएगा यार, ये ऐसे मत करो तुम, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। देन मुंडास और संथाल्स छोटा नागपुर रीजन के जो हैं वो क्या है, महुआ नाम के जो पेड़ है उसको, उसकी पूजा करते हैं। मुंडास और संथाल जो हैं जिसको वो महुआ नाम के पेड़ की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है आपका बसिया लतीफोलिया। क्या नाम है? बसिया लतीफोलिया, ये मुंडा का है। फिर एक कदम्ब नाम का पेड़ भी करते हैं भैया, ठीक है, कदम्ब नाम का पेड़ है जिसको कहते हैं एंथ्राकैफेलस कदम्बा, एंथोकैफेलस कदम्बा। और एक है ट्राइबल, जो ट्राइबल उड़ीसा के और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो टैमरिंड नाम के जो पेड़ है उसको, उसकी पूजा करते हैं, जिसको टैमरिंड का बोटैनिकल नेम है आपका टैमरिंडस इंडिका, और मैंगो के पेड़ जो आपका आम का पेड़ है मैग्निफेरस, मैग्निफेरा इंडिका, उसको ये लोग क्या करते हैं, ये उसकी पूजा करते हैं। ऐसे इंडियन सोसाइटी में सेवरल कल्चर्स में क्या होता है कि अपने खुद के मेथड्स होते हैं कंजर्विंग द नेचर एंड क्रिएशन। सेक्रेट क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड इन द स्प्रिंग माउंटेन पीक्स। अब सेक्रेट क्वालिटीज होते हैं वो किसमें, स्प्रिंग में, माउंटेन पीक्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सब चीज़ों में क्लोजली प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे गाय है, गाय को धार्मिक मान दिया गया है, तो गाय को प्रिजर्व करने की बात चलती रहती है हमारे देश में। जब भी आप देखोगे कि गाय के ऊपर पूरे के पूरे इलेक्शन लड़ लिए जाते हैं, अरे गाय के ऊपर पूरी की पूरी मौतें, दंगे हो जाते हैं, तो आप बात करते हो, तो ऐसी चीज़ें मतलब आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। किसी भी चीज़ को डराना है या फिर किसी भी चीज़ को रोकना है, आप उससे धर्म को जोड़ दीजिए, वो अपने आप बचना शुरू कर देगी और उसके ऊपर लोग लड़ना शुरू कर देंगे और उसको चीज़ों को बचाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे। इसलिए पूरे देश को धर्म से जोड़ दो, ठीक, सॉरी ऐसा कुछ भी मत करना। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैक, आप देखेंगे कि ट्रूप्स ऑफ मैकैक होता है, लंगूर्स, ये क्या है कि आप टेम्पल के पास में देखो लंगूर वगैरह और बंदर वगैरह, आप देखो ये जो टेम्पल जो होते हैं उसके चारों तरफ आप देखेंगे। ट्रीटर्स आर पार्ट ऑफ द टेम्पल डिवोटीज, इनको क्या है कि रोज के रोज कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, जो भी लोग आस्था कर के जो आस्था दिखाने के लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते हैं इनको। तो वो क्या है, इनको लोग कहते हैं कि ये ना यहाँ टेम्पल के ही, ये टेम्पल के ही जो आपके जो जो लोग हैं, ये जो टेम्पल के लिए ही हैं, ठीक है, ये टेम्पल में यहीं पर ये जो टेम्पल के डिवोटीज हैं इन्हीं को आप, इन्हीं की पूजा करो आप। देन आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो आपके एरिया वहाँ पर बिश्नोई विलेजेस है जो राजस्थान के, वो क्या है कि हर्ड ऑफ ब्लैक बग, इनको, नील गाय को, पीकॉक को, इनको क्या है, ये आप देखोगे कि इनके आसपास चारों तरफ घूमते रहते हैं और इन्हें कोई भी हार्म वगैरह नहीं करता है। ये आपको देखेंगे किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ देना, धर्म से चीज़ों को जोड़ दिया जाता है या फिर धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। फिर आप देखेंगे चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट एक हिमालयन मूवमेंट हुआ था जिसका, जिसमें क्या होता है लोग क्या है कि मतलब जेट भर करके ना, मतलब उससे पेड़ों से चिपक गए थे कि हैं भैया देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया हुआ था उनको काटने के लिए, तो वो चिपक करके उस पर सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे और बोले कि भैया हम इसे काटने वाटने नहीं देंगे, अगर आप काटना चाहते हो हमें भी साथ काटो, ठीक, वहां पर बवाल हो गया। अब इसी को बोलते हैं चिपको मूवमेंट। इसको स्टार्ट किया था किसने, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जिनकी जिनकी अभी थोड़े कुछ ही दिन पहले जिनका कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो चुका है सुंदरलाल बहुगुणा का, चिपको मूवमेंट उनसे रिलेटेड था, वही उन्होंने इसकी नींव रखी थी।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं। फिर फार्मर्स और सिटीजन्स ने ग्रुप ने क्या किया, बीज बचाओ आंदोलन भी शुरू किया, कहाँ पर, तेहरी में। एक नवदान्य हैव शोन द एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन अब विदाउट द, एक ये बीज बचाओ आंदोलन हो गया, नवदान्य आंदोलन हो गया, इनमें क्या है कि ये तेहरी में हुआ था, इन्होंने यहाँ पर भी चीजों को जो बीज है उसको बचाने की बात हुई थी। फिर आता है इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। फॉरेस्ट इंडिया में जो होता है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो था ना, दिस प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस द 1988। इसका इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम फर्निशेस द गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी। अब इसमें क्या होता है कि ये बोलता है कि देखो भाई, अगर आप कहो, आप सोचो कि हम जाएं और रॉब दिखाएं और जाकर के किसी भी जगह के एरिए के एरिए में और वहां के लोगों को बैन कर पाएं कि भाई तुम जाके इन सब चीजों को मत यूज करो, है ना, रॉब दिखा के डंडे के दम पे, तो भैया ये तुमसे ना होने का और ना होने वाला है। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो लोग है ना जो इनको यूज करते हैं, ऐसा करो इन्हीं के अंदर ऐसी फीलिंग डाल दो कि भैया इनको बचाना है, ठीक, तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो अब क्या है, लोकल इंसान लोकल को जानता है और लोकल को लोकल की मानता है, इसलिए उन्होंने कहा, इसीलिए इसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वहीं के लोगों को दे दो इसकी ड्यूटी, भाई बचाना है तुमको, नहीं बचाओगे तो मर जाओगे, ठीक। देन प्रोग्राम हैज बीन, ये इसको फॉर्मली एग्जिस्टेंस हुआ 1988 में स्टेट ऑफ ओडिशा में, सबसे पहले इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का स्टार्ट हुआ। JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेजेस, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशंस, विलेज इंस्टीट्यूशन होता है जो कि काम करता है प्रोटेक्टिंग द एक्टिविटीज मोस्टली ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ज्यादातर काम करता है, लैंड मैनेजमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये सब काम वो क्या है इसको मैनेजमेंट में काम हेल्प करता है। इन रिटर्न द मैनेज मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज, अब इसके बदले में क्या होगा, अब इसके बदले में ऐसा तो है नहीं कोई फ्री फंड में तो काम करेगा नहीं भाई, सीधा हिसाब होता है कि अगर तो आप इसको कंजर्व करो हम लोग क्या करेंगे, आप इसे कंजर्व करो हम लोग इसका करेंगे क्या, हम लोग आपको इसमें से कुछ चीजें, आप इसमें से कुछ चीजों को यूज कर सकते हैं, टिम्बर वगैरह को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बस इतनी छूट मिल जाएगी आपको, तो कंजर्व भी करेंगे लोग थोड़ा सा उनको मिले, तो कहने का मतलब चीजें सही यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो एक कंसेप्ट था JFM का, JFM का कंसेप्ट है ये काफी अच्छा है और इसे गवर्नमेंट को अच्छे लेवल पर और ढंग से काम करना चाहिए इसके ऊपर। देन द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक ऑफ द बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड द रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे हमें क्या पूरे के पूरे डायनेमिक इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से और रिकंस्ट्रक्शन से हम इन इंडिया में, हम ये एक चीज समझ में आती है कि भाई लोकल कम्युनिटी को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर सको, बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अब ये क्या, अभी बहुत टाइम लगने वाला है इसको, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक। ये ऐसी ऐसी जो एक्टिविटीज हैं आप उनको ही, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आप एक्सेप्ट करो जो कि पीपल सेंट्रिक हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इकोनॉमिक रिवार्डिंग हो, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो। आप यही आप देख लो कि आपको आपको इस तरीके से डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करनी है जो कि इंसानों के हित में हों, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों और इकोनॉमिकली आपका इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। देखो अब इसी में क्या है कि गौतम बुद्ध का एक छोटा सा एक कोड दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ ट्री इज अ पैक्यूलियर ऑर्गेनिज्म अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनेवोलेंसेस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सब्सिस्टेंस एंड एक्सटेंड्स जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी, इट ऑफन प्रोटेक्ट, इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयज इट। अभी कहते हैं कि तो जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, एक इतना ही प्यारा, इतना अच्छा, इतना सहज एक ऑर्गेनिज्म होता है, इतना काइंड दयालु होता है कि वो क्या है कि वो हमसे कुछ नहीं लेता, उल्टा हमको सिर्फ देता ही देता है,
हमसे कुछ लेता है नहीं, हमको सिर्फ देता ही देता है, लेकिन यहाँ तक कि जो इंसान उसको काट रहा होता है वो उसको भी छांव देता है। तो ये क्या उन कहते हैं, ये गौतम बुद्ध कहते हैं। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और मैंने जैसा कहा था आपको, ये कुछ फोटोज वगैरह देखेंगे। तो देखो ये जो हमारी फोटो है ये है घड़ियाल की। अब ये घड़ियाल क्या है कि अब फर्क समझ लीजिए भाई, एक होता है क्रोकोडाइल मगरमच्छ, दिखने में मगरमच्छ जैसे ही होते हैं, बस इनके मुंह देखो आप, मुंह इनका कैसा थोड़ा सा चोंच टाइप लंबा होता है। तो अब घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन एट द लोएस्ट सिंस द 1970s में। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये आपका क्या है, किसी पेपर की कटिंग है, ये पेपर कटिंग के बारे में देखा। फिर यहाँ पे आपकी ये कुछ है, बर्ड्स डेड ब्लेम्ड ऑन द डर्टी यमुना, यमुना का जो पानी खराब होने की वजह से क्या हुआ कि बर्ड्स जो है वो क्या उनकी उनकी मृत्यु जो है उसके ऊपर ब्लेम की गई है। यहाँ पर ये है। देन आपका इधर हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो राइनोसोरस है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये आपके जो डियर्स हैं, इन ये आपके इधर फोटो इनकी फोटोज दे रखी हैं। देन अगर हम बात कर लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं कि ट्राइबल गर्ल्स जो हैं, ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग द बाम्बू स्पेलिंग्स बाम्बू सैपलिंग्स इन नर्सरी एट मखाली नियर साइलेंट वैली। अब ये कुछ मतलब बाम्बू मतलब बांस के पेड़ों से कुछ ना कुछ ये बना रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है। और वैसे तो ये क्लास खत्म होने वाली है, आप मुझे फिर भी बताएं कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों को चीज़ों को शेयर कर दें ताकि आपको भी समझ में आए और उन्हें भी समझ में आए। फिर ये ट्राइबल वुमेन्स हैं कुछ, ये क्या है चीज़ों को फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट से ये जो जानवर ये जो अपना जंगल से कुछ चीज़ें लेके आई हुई हैं तो उनको बेच रही हैं। इधर ये लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमन फॉग, ये लीफ लेके मतलब पत्ते लेके आई हुई हैं तो इसकी कलेक्शन करके लेके आई हुई हैं ये। देन और इधर फोटोज आपकी, हाँ ये आई कुछ फोटोज। देखो ये साइकस, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इसको मैं आपको इसको मैं कुछ इस तरीके से करके दिखाऊंगा। देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाऊंगा। देखो साइकस बेडो मई डायर, ठीक है, साइकस बेडोमीडाया अ रेयर साइकड एंडेमिक इन ईस्टर्न घाट। अब ये क्या है, ये एंडेमिक स्पीशीज है जो कि ईस्टर्न घाट की है। अब यहाँ पे एक निकोबार मेगापोड है, एंडेंजर्ड द निकोबार मेगापोड है, ये भी आपकी है। इधर है ये एम्बेलिका राइप्स विद इमेच्योर फ्रूट्स अ थ्रेटन्ड मेडिकल क्लाइंबर। अब ये एक थ्रिम्बल है, एक मेडिसिनल क्लाइंबर है ये, इसका प्रयोग जो था इसका प्रयोग जो है आप किसके लिए प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग होता है आपका दवाइयों के लिए। एक इधर है ये आपका ऑकलेंद्र ट्रावेनकोरियन गैम्बल, तो एक ये है एंडेमिक टू साउथ वेस्टर्न घाट्स यूज्ड इन द मैट एंड बास्केट मेकिंग्स, इसमें ये आता है। एक इधर है ये हेट्रोमेट्रस कैनेरेनिस एंडेमिक और टू कर्नाटका, ये एंडेमिक कर्नाटका के लिए है। देन हम बात करते हैं आपकी फिर हम बात इधर ये हमारा ये जो आपने देखा स्लैश एंड बर्न का ये, तो और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, आप सारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको ये जैसा भी लगा हो मुझे आप जरूर बताएं। तो अब चलिए अब आप आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें आप विदा दीजिए और चीज़ों को हम और अच्छे से कर पाएं इस चीज़ की अनुमति दीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।